अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह हमारे घरों में जो 1.5 टन का एसी इन्वर्टर इस्तेमाल हो रहा होता है उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल यानी बिजली का बिल मालूम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ना 1.5 टन का एसी इन्वर्टर इसलिए लिया है क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 90% से ज्यादा घरों में 1.5 टन का ही एसी इन्वर्टर यूज हो रहा होता है। तो अब जो एसी इन्वर्टर हम यूज कर रहे होते हैं, इसका जो बिल है ना वो कुछ फैक्टर्स पर ना कि इन्हिसार कर रहा होता है। सबसे पहले ना कि वो साइज ऑफ रूम, यानी कि अगर तो हमारे पास जिस कमरे में ये 1.5 टन का एसी इन्वर्टर लगा हुआ है उसका अगर साइज बहुत बड़ा है तो बिल हमें ज्यादा आ सकता है, अगर साइज कम है तो बिल कम आ सकता है। दूसरा, वो इस चीज पर भी इन्हिसार कर रहा होता है कि हमने एसी ऑन करके बाद में उसका जो दरवाजा है वो कितनी बार खोलना है। अगर तो वो हमने एसी ऑन करके बहुत कम दफा खोला है तो वो बिल कम आएगा, अगर हमने उसे बार बार खोला है तो उससे भी उसके ना के बिल पर ना के फर्क पड़ सकता है। नेक्स्ट, जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसका भी फर्क पड़ सकता है। अगर टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा है और अंदर हमने कमरे का जो टेम्परेचर है वो कम सेट किया हुआ है तो इससे भी ना के बिल में ना के थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। तो नेक्स्ट, इस चीज को समझने के बाद, इन फैक्टर्स को समझने के बाद फिर हमें ना कुछ इस चीज का भी पता होना चाहिए जो हमें बिल आना है वो किस बेस पे आना है। तो वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है ना वहां पे एक लफ्ज लिखा होता है KWH, यानी कि जो बंदा रीडिंग लेने आएगा वापडा वाला उसने ना कि जो बिल भेजना वो इस KWH के बेस पे भेजना है। ये जो 1 KWH होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो अब ये KWH का क्या मतलब है? KWH का यहाँ पे K जो है ना ये एक प्रीफिक्स है जो 1000 के बराबर होता है। जो W है ये वाट है, ये हमें अब पता होना चाहिए कि हमारा जो AC है वो कितने वाट का है या फिर कितने वाट ले रहा है, तो उससे फिर हम ना कि आगे बिल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आवर आ जाता है, आवर का मतलब होता है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। अब इस पूरी रीडिंग को अगर हम देखें तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों के पास 1000 वाट का एसी है और वो 1 घंटा चले तो वो बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास है जी 500 वाट, तो अब 500 को हमने किलो वाट में अगर कन्वर्ट करना है तो 500 बटा हमें 1000 यानी 500 को 1000 पे तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा उसे फिर हम 1 से जरब देंगे तो फिर वो हमारे पास ना उतने यूनिट आएंगे। तो वो नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन हम आगे करते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे एसी है जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो वो कितने एम्पियर ले रहा होता है, ले रहा होता है 8 से 9 एम्पियर। अब ये 8 से 9 एम्पियर लेने के बाद कुछ ही देर में उसमें जो कूलिंग है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। अब जैसे ही कूलिंग एस्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट कंपनीज तो मुख्तलिफ चीजें क्लेम कर रही होती हैं कि वो 1 से 2 एम्पियर ले रहा होता है, 3 से 4 एम्पियर ले रहा होता है, लेकिन जो मैंने पीछे आप लोगों को 3 फैक्टर्स बताए हैं उनकी बेस पर कि हमारे कमरे का साइज, फिर एवरेज साइज का हमने अगर कमरा हो, दूसरा है कि उसमें जो दरवाजा है वो भी हर कार खुलना है काफी दफा दिन में, और थर्ड है तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है तो वो काफी ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो अगर इन सारी चीजों को हम कंबाइन करें तो जो एसी है ना 1.5 टन का इन्वर्टर एसी आफ्टर कूलिंग भी वो 4 से 5 एम्पियर ले रहा होता है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वो 4 एम्पियर ले रहा है, अब 4 एम्पियर से तो हमारे पास बिजली का बिल नहीं कैलकुलेट होगा क्योंकि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि वो किलो वाट आवर पे बेस कर रहा होगा। इसका मतलब है हमें सबसे पहले उसके वाट का पता होना चाहिए। अगर हमारे पास 4 एम्पियर ले रहा है तो उसको हम 220 से जरब देंगे तो वो हमारे पास वाट निकल आएंगे जो है 880। अगर फॉर एग्जाम्पल वो 5 एम्पियर ले रहा है तो 5 को हम 220 से जरब देंगे तो हमारे पास 1100 वाट्स बन जाएंगे। तो हम ना ही 880 वाट लेते हैं ना ही हम 1100 वाट लेते हैं, हम एक ना एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो जो हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो 1000 वाट पे ना चल रहे हैं, अब 1000 को हमें किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो यूनिट की वैल्यू आती है वो किलो वाट आवर में आती है। तो हम क्या करते हैं कि 1000 को 1000 पे डिवाइड करें तो हमारे पास किलो वाट निकल आएंगे जो इस केस में 1 किलो वाट बनता है। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है कि वो कितनी देर तक चलता है। हम ना कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एसी हम ना कि 12 घंटे चलाते हैं तो इससे हमारे पास ना कि ये 12 आवर्स आ गए। तो अब किलो वाट आवर की अगर हम ना कि कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे 1 किलो वाट है और हमारे पास आवर 12 है, यानी 1 को हम 12 से जरब दें तो 1 दिन में ना वो 12 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा होता है। अब अगर वो 12 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है तो अब हमने देखना है कि बिजली के 1 यूनिट का रेट क्या है।
अब आम जो रेट चल रहा होता है ना टैक्सी वगैरह मिलाकर भी वो तकरीबन 50 रुपए यूनिट चल रहा होता है, तो हम ना कि 12 को 50 से जरूर दे देते हैं। आप लोग अपने बिल पे देख लें, वो 40 है तो 40 से जरूर दे दें, वो 45 है, हो सकता है वो 60 भी हो, कुछ केसेस में 65 70 तक भी चला जाता है। तो अब आप लोगों ने उसी तरीके से ना कि 12 से जरूर दे देनी है। तो मैं ना कि एवरेज जो चल रहा होता है मैं 50 से जरूर दे देता हूँ। तो 12 को जब 50 से जरूर दें तो हमारा एक दिन का खर्चा आ जाता है जी 600 रुपया, अगर 12 घंटे एसी चलता है। तो अगर हमने पूरा महीना चलाना है तो अब 600 को हम ना कि 30 से जरूर दे देते हैं, तो हमारा जो पूरा महीना अगर चलेगा तो वो फिर 18,000 रुपया बिल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ना जो आप लोग घर में एसी यूज कर रहे हैं, कोई आप लोग यहाँ से देख लें, अगर 8 घंटे चल रहा है तो एक को आप लोग 8 से जरूर दें तो 8 यूनिट आएंगे, फिर 8 को 50 से जरूर दें, फिर उसी हिसाब से आप लोग बिल कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने तो एक ना कि रफ सी कैलकुलेशन ली है कि इस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह निगेबान।